आपकी तबीयत ठीक है अभी? नहीं, मेरी तबीयत खराब है भैया, बहुत ज्यादा। खैर, लेकिन हमें ब्लॉग तो शूट करना है, हमारा नए साल का पहला ब्लॉग है। नए साल का जो शूट कर रहे हैं वो पहला ब्लॉग है। मुझे इसीलिए ना अपना जो हिंदू कैलेंडर वाला न्यू ईयर है वो बेटर लगता है, कि भाई कम से कम स्प्रिंग होता है, बंदा खुले में रह सकता है। ये कैसा न्यू ईयर दुबक के बैठे रहो। खैर, हमारा इस नए साल में एक बहुत ज़्यादा न्यू स्टॉक अराइवल हुआ है एनिमल्स का, साहिल जी अभी बताएंगे। ज्योति की भी तबीयत ख़राब है, वेनू इनफैक्ट जो ये शूट कर रहा है इसकी भी तबीयत ख़राब है। ये क्या प्रूफ दिया तुमने? साहिल कहाँ है? वो रेस्क्यू पे गया है। कौन सा रेस्क्यू है? ग्रो में कोई बैल है। तुमने बात नहीं करी थी अभी साहिल से? मैं तुम्हें फ़ोन किया था स्पेशली। साहिल से बात कर लो, मैं आता हूँ अपडेट शूट करने। ठीक है, तो भाई रेस्क्यू पे गया तो साथ में मीडिया से कोई गया नहीं? दो पर्सन आए थे आज। हाँ, अच्छा। और वो घरों में बैल जो है वो रेस्क्यू करके किसी गौशाला में भेजना है, वो वाला केस के लिए। अच्छा, ये पहले वाला केस है गौ, वो जो इन्होंने जो मैंने बताया ना, इस समय क्योंकि हर जगह गेहूं लगा हुआ है तो ये जो भी बेचारे बेसहारा गाय बैल है इनको इकट्ठा करके ये किसी गौशाला में छोड़ के आएंगे। तो हमें एक कॉल आई थी ना कि एक बैल है जिसको ये पकड़ नहीं पा रहे, तो उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत थी। कब तक आएगा? कब तक आएगा? ठीक है, तू आएगा तो कॉल कर लियो वेनू को ना, हम शूट कर लेंगे। हो गया ना बैल का काम? नहीं, बोला कि ज्योति ने मना किया था कि नहीं जाना मीडिया। ठीक है। हे अमन जी, अडॉप्शन लाइन आप देख रहे हो ना? हाँ, अडॉप्शन लाइन। ठीक है, और किन्नी ने बॉस के लिए कहा था, उनसे बात हुई है? मैंने सुबह अनिरुद्ध को मेल फॉरवर्ड करी है, मैंने कहा कि कल आपका इंटरव्यू स्केड्यूल कर दिया। ठीक है, बॉस के यूरिन में ब्लड आ रहा है, ये किसी यूटीआई की वजह से होगा सर? मैंने आपको कहा था ना कि जितना टाइम यहाँ पे वो रहेगा उतना उसके लिए प्रॉब्लम है। ये कौन घूम रहा है? हाँ बच्चा, इसका अमन बता रहा है कि मुंह जैसे कुछ तो हुआ उसका पैर में। क्या? हाँ, इसका भी पैर मुड़ गया है सर। इसका पैर कैसे मुड़ गया? केबल में अंदर ही इसका पैर फंस गया ना उतरते चढ़ते वक्त में। तो इसने मोच आई है, ये मोच कह सकते हैं क्योंकि सुबह तो ये लिम्प कर रही थी, काफी लिम्प कर रहा था। हाँ जी, तो पहले से बेटर लग रहा है? हाँ जी, पहले तो ये लगा नहीं रहा था। ठीक है, तो मोच है तो हो जाएगा। ठीक, अभी बैठ के दिखा रहे। चले, दोबारा आते हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने ना मुझे बिना बताए इसको नहला दिया। इतना साफ ही मुझे लग ही नहीं रहा मेरा फार्म का कुत्ता अपना। खुशबू भी इसमें से इतनी अच्छी आ रही है। स्पॉट तो गंदा मंदा हो गया, फिर अपना लगेगा। पूछ लिया साहिल से तुमने? हाँ, साहिल आ गया, जस्ट अभी आया। श्रीश से इंट्रोड्यूस करा दो। श्रीश हमारी जो स्पीति की दूसरी वाली डॉक्यूमेंट्री बननी थी ना उस पर काम कर रहा है श्रीश हमारे साथ। वो है वॉलेंटियर वर्क एक्सचेंज पे एक्चुअली। आज हमारे यहाँ यार दो और जो नए लोग हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आए हैं, उन्होंने आना था। जैसे तुम डॉग्स की बार्किंग हटाते हो ना बीच बीच में काट काटते, तुम्हें मेरा खांसना हटाना पड़ेगा। आ गया साहिल? आप लोग कहाँ ले जा रहे हो इसको? केज को? ये धनुटू से कल शाम को आया था, डॉग जिसका एक्सीडेंट हुआ था। एक बार मतलब फोन उठा लिए करो ना आप, एक बार ना किए हो तो ना, मतलब कोई बैल वगैरह आपके कोई हो तो। जी जी, बिल्कुल। हाँ, इतने टाइम बाद मतलब ये आ रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। पहले आपकी कोई वगैरह हो? अच्छा, यहाँ दरवाजे में? हाँ हाँ हाँ। अरे आज तो छुट्टी मतलब हो तो मतलब बेटर है, ऐसे गार्ड रहता है, किसी के जाना बजाना हमारे लिए अच्छा ही है। ऐसे मतलब हमारा कुत्ता भी नहीं है। अरे नहीं सुनो तो, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ गार्ड रहता है, आज छुट्टी है। हाँ, इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ, छुट्टी होनी ही चाहिए, मतलब उसको पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके ओके भाई, आधी फर्स्ट अपॉइंटमेंट लगेगी, कुछ नहीं है अभी, छोटा सा चोटा है, सब कुछ ठीक है, घिस गया है बस, है ना, बस रोज ही है। कोई बात नहीं सर, आज तो आप क्या करें अपॉइंटमेंट, ये देखो अलग इतने प्यार से बैठ गया बेचारा। अरे ये रगड़ ही लगी है तो क्या बोल रहे मेरे को कि मर जाएगा तब आओगे तुम लोग? यहाँ पे वो ब्लैक पपी जिसकी कंडीशन इतनी खराब है, इतना क्रिटिकल केस कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, बस एक मिनट रुको एक मिनट रुको, नहीं बोलते क्यों, खोल रखा, बंद करो इसको। चाट लेना ठीक है, शाम तक कल सुबह तक चटा होना चाहिए पूरा का पूरा। कह रहे थे कि गेट पे कोई नहीं है ये। हाँ, उसने पी रखी थी, पी रखी थी, हमारे पे चढ़ रहे हैं। हाँ, कह रहे थे आप नहीं लेना चाहिए।
ठीक है जी, और कुछ साहब ने कहा नहीं हमारे लिए? चौबीस घंटे अवेलेबल रहते हैं। ये कब आई है? ये कल शाम को आई है ना, ये आई है मैरा से, ज्वाली के पास एक गांव में, वहां से। तो मुझे जो फोन वीडियो दिखाया था कुछ उस पर तो पता भी नहीं लग रहा था इतना। तो मुझे जब वेमू ने कहा ना कि कल ये केसेस आए हैं, तो और उसने कहा कि एक गाय आई है जिसकी थोड़ी हड्डी बड़ी है, तो मुझे लगा हमारे यहाँ पहले गाय नहीं आई थी जिसका काफी समय तक हमें लगता रहा हड्डी बड़ी है, पर बाद में आम की गिटक थी। हाँ जी, इसका तो क्लियरली हाँ इसकी तो बड़ी है हड्डी, दो सौ बने काफी लंबा टाइम लगेगा इसके किलो में। बच्चा क्या हो गया, बर्फ क्यों कर रहा मेरे पे आके? नहीं ये हील होगी कैसे? हड्डी गल जाएगी, साल भी लग जाएगा, और बीच में अगर खाना पीना छोड़ती है तो फिर ट्रिप को क्या लगाना पड़ेगा, और इसका जो भी टेढ़ा हो गया ना एक साइड। तो ये गौरव किसको लेके आ रहा है? ये जोड़ा हुआ है क्या किसी का पेट? तो ये आज छोड़ देंगे वहाँ पे वापस, पट्टा तो लगाएंगे ना इसको? हम लगाएंगे ना कॉलर, तो वो बोलते हैं कि पीपल पाम बालों का कुत्ता को छोड़ दे। इसको क्या है मुझसे प्यार? रेंट रिसाइकल धर्मशाला पे डाल देते हैं इसको, अगर हम एक दो दिन है जगह हमारे पास। जी जी। एक टीवीटी वाला कोई डॉग का केस है, जो परसों गए थे ना टांडा में डॉग लेने, जो मिला नहीं था उस दिन, तो हमने उनको बोल दिया कि आप बांध लेना फिर हमें फोन करना। तो कल उन्होंने बांध लिया था, फिर फोन किया, तो हम कल जाके उसको ले आए। और एक कैट आई है कल जीर वाला से, जिसको डॉग बाइट हुई है और काफी बड़ा वुंड है। इससे तो कुछ नहीं होगा, कर लो यार। इसमें तो नहीं काटती है ना? नहीं काटती है, यहाँ जब पकड़ूंगा तो ये यहाँ चढ़ती है। ये डॉग बाइट ही लग रही है ना? देख रहे क्या होगा? एक और आया था ब्लैक पप्पी भैया, क्यों हुआ इसको? इसको ना मे बी इसने कुछ गलत खा लिया है, कल से ऐसे ही है। अगर ये बच जाता है तो ले डॉक्टर। जी 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 सर, मैं इसको ले लूँगा। सर क्या हुआ, क्या लगता है? पॉइजनिंग तो हो सकती है, पॉइजनिंग से ज़्यादा ये इंडाइजेशन लग रही है। अभी मेन हमारा ये है कि फ्लूड वगैरह देखे, वो अगर टॉक्सिन इसकी बॉडी से निकलते हैं। उसको शायद किसी ने जहर दिया, डोसा बोले थे ना कल ही दिया था जहर, दो दिन पहले वो ना करवा रहे थे ट्रीटमेंट, बोलते हमने अपने आप से पूरा ट्राई किया, और कल संडे था, बोला सारे के सारे हॉस्पिटल बंद थे। इसीलिए जो हमारे वेट्स हैं ना वो संडे को ऑफ नहीं लेते, क्योंकि संडे को और सारी जगहें बंद है, तो कम से कम ये एक जगह दो। पीछे रेजिडेंट्स में दिक्कत आ रही है, एकांत जो है उसको शायद लगी होगी आँख के ऊपर जिसकी सर्जरी हुई थी ना, तो अंदर शायद ब्लड वगैरह निकला, वो खुल हो गया, उसको आँख के अंदर पस बन गई है, जैसे आँख दबा रहे हैं ना तो नाक से पस बाहर आ रही है। चलो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, उन्होंने बोला कि आँख के ऊपर कट तो नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि कट लगाए तो वो हील होना काफ़ी टाइम लगेगा, तो इंजेक्शन दिए थे कल भी आज भी, तो अभी काफ़ी फर्क है। सहारा का तो फेस सूजा हुआ है ना, उसको या इंजेक्शन की वजह से उसको स्वेलिंग है, या किसी ने मारा है तो स्वेलिंग है उसको। इंजेक्शन का हैगा उसको, और उसके लिए इंजेक्शन लग रहे हैं ना, कल उसको टैबलेट दी है मैंने लेक्स जेड प्लस की, और इसके पफी की कल एक और पफी की डेथ हो गई ना बाइक वाले के। ऊर्जा को जाके अब कितने बच्चे इसके? अभी मेरे बच्चे। और ये कुछ पता लग रहा है कि ये डेथ क्यों हो जा रही है? मतलब रेडिएटर तो ऑन रहता है, एकदम वीक होते हैं डेथ हो जाती। जो मेरे को एक चीज़ ज्योति से पूछने में रह रही है, शनिवार को डॉक्टर गुलशन गए ना लेके शॉर्टकट को, क्या पता लगा? डॉक्टर हिमांशु बोल रहे थे ये कैलिस बनेगा, तो वो तो बना है उसके ऊपर। हाँ। तो उन्होंने बोला एक आध हफ्ता और देख लो, बूंद छोटा हो रहा है। हाँ। ये हील हो जाएगा बिना एम्पुटेशन के, पैर जुड़ जाएगा। ये तो गुड न्यूज होगी भैया। ये दो चीजें हमें बतानी रहेगी, एक हेडफोन रिलीज हो गया और गठरी की ट्यूमर की सर्जरी हो गई है, और साथ ही में इसका स्पे भी कर दिया, तो इसकी जो सर्जरी हुई है वो ठीक हुई है ना? ठीक है। इसको जब हम रिलीज करेंगे इसका कोई केयर टेकर वगैरह है क्या वहाँ? केयर टेकर तो नहीं, इसके लिए वो साहिल जो पशुरी वाले उसने ही फोन किया था। ठीक है, मैं अपने नोट्स चेक कर लूँ, जो भी मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो मैं हाथ पे लिखता हूँ ऊपर की साइड, यहाँ लिखो तो मिट जाती हैं। जब ये लोग चले जाएंगे ना यहाँ से, नए अस्पताल चले जाएंगे,
तो अभी जो हमारा क्लिनिक वाला रूम है उसको हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है हम लोग कुछ शूट करना होता है, कोई रील बनानी है, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कत आती है भाई, डॉग्स भौंक रहे हैं बीच बीच में। तू क्या करने आ गया? सॉरी राधा, वो दो नए लोग आए थे ना ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो उनको 2 घंटे सिखाया, 2 घंटे काम कराया या 4 घंटे काम ही कराया? सुबह 9:30 तक उन्होंने काम किया, फिर 11:30 बजे तक ट्रीटमेंट, उसके बाद थोड़ा काम कराया, फिर वो चले गए। ठीक है। विशाल जी जो पहले भी यहाँ पे आए हुए हैं वो आए हुए हैं, तो विशाल जी ने ना पहले सोचा था कि दीपाला जो रोडू में उनकी हेल्प करेंगे, अब इनका थोड़ा प्लान चेंज हो गया, या तो हम उत्तराखंड में या फिर अपने वही हरियाणा में, क्योंकि बेसिकली हम है हरियाणा से, रहते दिल्ली में है, तो वहाँ पर कुछ करें, तो उत्तराखंड अभी फाइनल मतलब हमारा हुआ है कि देखते हैं कि वहाँ पर आप जैसे ही कुछ अच्छा कर पाए, ताकि और लोग भी इंस्पायर हों उस चीज़ से, जैसे हम आपसे हुए थे लॉकडाउन के टाइम पे। ये तो आपको इतना फॉलो करने लगे, मतलब एज ए मेंटोर लगा लो या गुरु लगा लो, कि आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब फॉलो करने लगे थे, तो अभी वही है बस आपसे इंस्पायर होके हम सोच रहे हैं कि करें कुछ ऐसा। शुरू रिकवरी से करोगे ना, कि कोई इंजर्ड आने वाला उसको रिकवर करने की जगह मिल जाए, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी जानवर हो। एक्चुअली ना हम घर तो नहीं रखते हैं, हम गली में ही है रखते हैं। विशाल कहाँ है उनकी डॉल्वर की सभी फोटो? वो भी ठीक है भाई, हर कोई घर नहीं ले आ सकता, डॉग तो जो गली का एक डॉग है उसकी जिम्मेदारी ले लो, कि भाई उसको खाना वहीं दे दिया और अगर उसको चोट लगी तो डॉक्टर पे ले गए, कैमरा पकड़े पकड़े थक तो नहीं गए? पूछ लूं मैं एक और चीज, क्या कहते तो आपने अपने बच्चे नहीं करें। वो भी उसकी भी स्टोरी है, आपसे इंस्पायर हुए था, तब अब बताया भी था कि माँ आपको इसलिए भी पसंद नहीं करती नहीं अभी तो मतलब ठीक है, अब उनको अच्छा लगने लगा। सभी बोलते हैं ना कि आपको बाद में पछतावा होगा, रिग्रेट होगा कि आपने बच्चा पैदा नहीं किया, क्यों होगा रिग्रेट, हमें हम किसी को अडोप्ट कर लेंगे, अगर कभी हुआ भी तो अडोप्ट कर लेंगे। अब एक जिंदगी जो इस दुनिया में है ही नहीं उसको लेके आएंगे और फिर उसको बड़ा करेंगे, उस पे हम पैसा खर्च करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन एक जिंदगी जो पहले से यहाँ पे है ना, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा है कोई, वो बेचारा भीख मांगने के कगार पे है, हम उसको उठा के एक अच्छी जिंदगी देंगे ना। मॉर्निंग, तबीयत बेटर है? ठीक है। वीकेंड की अडॉप्शन हो गई ना? यस। अब चेहरे पे आई, जो उसको फॉस्टर कर रहे थे? हाँ जी, उन्होंने अडॉप्ट किया उसको। एक्चुअली जब मेरी उनसे बात हुई, हमने उनको फ़ोन किया था पूछने के लिए कि वीकेंड की और कुछ फ़ोटोज़ हमें मिल सकती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने काफ़ी टाइम पहले डिसाइड कर लिया था, पर मैं बताना भूल गई थी। ओह नाइस, तो उनसे कोई वीडियो तो मंगा लो। हाँ जी, वैसे वीकेंड सारा ट्रैक वगैरह खुद उनके साथ करके आ गई है, अब उन्होंने हमें वापस लौट के फिर बताया कि मैंने डिसाइड कर लिया। गुड यार, वो जो पपीज आ गए थे स्टरलाइजेशन के लिए? हाँ जी सर, उनको रिलीज कर दिया कल। वो गाय हीट में अपनी टोफू मरेंगा दोनों, तो उनको हम लोग रात में बड़े ग्राउंड में बाहर छोड़ देते हैं। यार वेल बिहेव्ड है, क्या कुछ खिलाया इसको? नहीं, ये सुबह लड़ चुका है ना सारा, संजू ये यशवी जा रही थी तब सब हो चुका है। अच्छा, यशवी चली गई? हाँ जी। और रे, तो कर्तव्य करके दिखाने थे ना इसको, दाही उस दिन वापस आ गया है। हाँ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, और उन्होंने ये तक के बोल दिया था कि आप प्लीज थोड़ा आगे जाके छोड़िए इसे, और हमें एग्जैक्टली पता नहीं है ना वो डॉग कहाँ का है क्या है, जहाँ से हमने पिक किया था हम तो वहीं छोड़ने गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने फूड और बाकी सामान भी रखने वहाँ पे मना कर दिया कि बेड तक के मत डालिए वहाँ पे, एक तो वो ओल्ड डॉग है बहुत ज़्यादा, वापस इसको यहाँ ले आए हैं अब। नहीं सर, उसको पीछे काउशेड में रखा है जो चिकन हाउस वाला एरिया है वहाँ पे, और रात में क्या करते हैं जो चिकन हाउस है ना, तो वहाँ के जब सारे डब्बों में चिकन को हम रख देते हैं हाउस में, उसके बाद उसको नीचे बेडिंग लगा दिए, पानी रख देते हैं। आज का कोई खास प्लान है आपका? नहीं सर, रेस्क्यू के लिए भी अब हमारे पास जगह नहीं है, कल शाम को शायद एक कबूतर और आ गया हमारे पास, शायद मतलब आया है, ये पक्का नहीं है, या पिजन है ये पक्का नहीं है नहीं, मेरा मतलब है कि इसको हमने रखना है, क्या उसका प्लान है मेरे को कुछ पता नहीं है। इसके पंखों में चोट लगी हुई है, आई थिंक ये किसी ने इसको ट्रीट कराने की कोशिश करी है पहले भी, क्योंकि इसमें ऑइंटमेंट लगी हुई है, वुंड काफ़ी हद तक हील्ड है इसका। गेट पे कोई छोड़ के गया है यहाँ पे ना, कोई जो टेम्पो ड्राइवर जो होते हैं, इसको पता हुआ है। शायद तूने लिया है कल पिजन, या राधा ने लिया? डॉक्टर गुलशन ने। और डॉक्टर देखा, इसमें हंसने वाली क्या बात है कि डॉक्टर गुलशन ने
हम लोग ऐसे बर्ड्स यहाँ पे रखते नहीं है ना। हम रखते तो हैं, मना करते हैं बर्ड्स। नहीं, हमने मना करना शुरू कर दिया था क्योंकि हर बर्ड जो हमारे पास आती है वो स्ट्रेस से, आवाज से, जो लाउड नॉइस होती है ना उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो हम यही प्रेफर करते हैं कि हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर दें, लगे तो हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट जाकर कर दें, लेकिन यहाँ ना रखें। तो हम केज तक को देने को तैयार है ना, जो पिजन के लिए या बर्ड्स के लिए जो केज आते हैं। हमारे वेट्स को बर्ड्स का ज्यादा नहीं आईडिया ना, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है ना उस चीज की। मे बी जब हमारा नया वाला हॉस्पिटल एक दो साल में पूरा एस्टेब्लिश सा हो जाता है, जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, तब हम वो एवियरी बना सकते हैं। एवियरी वो रहती है ना जो बर्ड्स के लिए अलग एक बड़ा सा केज होता है। देखना राधा को कहाँ घुसी हुई है, क्या कर रहे राधा? रेशम का ट्रीटमेंट। फनी क्यों था कि डॉक्टर गुलशन ने कबूतर लिया? नहीं, क्योंकि आप पूछ रहे थे किसने लिया, साहिल ने या राधा ने, तो दोनों में से एक ने भी नहीं। डॉक्टर गुलशन को वो देख ही चले गए। अरे भाई ये ब्लेम थोड़ा है कि किसने कबूतर ले लिया, मैं तो पूछ रहा था भाई किसने लिया, उससे पूछ तो ले डिटेल क्या है। इसके यूरिन में अभी भी बेटर है, थोड़ा पहले से कम है, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा डार्क ऐसे कलर में था, लेकिन अभी बेटर है। इसके लिए किसी ने कमेंट किया था कि वो कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। फिर उनका उनको मैंने कहा ईमेल करो, फिर उनका नंबर मैंने अमनदीप को दिया, तो उससे बात कर लो। उनका वीडियो वगैरह कल आया है शायद, हाँ। लेकिन वहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है, और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बोल रहे थे ठीक है आपको नहीं देना मत दो, मैं नया पपी खरीद लूँगा, ये वो। तो इसकी स्किन काफी बेटर लग रही है, बहुत बेटर है। कल ना किसी ने एक इंस्टाग्राम पे रील डाली और मुझे उसमें टैग किया था। उनका कहना ये था कि सड़क पे जो डॉग्स हैं उनको आप ये स्वेटर वगैरह मत पहनाओ, क्योंकि बाद में स्वेटर फटता है, वेस्ट जनरेट होता है, प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है कि उन्हें ठंड नहीं लगती। ये बिल्कुल सिली बात है, कुत्तों को बहुत ठंड लगती है। आप कभी भी देख लो, वो प्रेफर करेंगे कि वो गर्म जगह, सॉफ्ट जगह बैठें। तो प्रकृति ने उन्हें ऐसा कुछ नहीं बनाया, वो तो बेचारे मजबूरी में ठंड में सड़क पर ठिठुरते रहते हैं, और कितने कुत्ते जो हैं ठंड से मर भी जाते हैं। तो नहीं, सर्दियों में आप प्लीज़ डॉग्स को स्वेटर पहनाइए, और ऐसी ये जो बेतुकी बातें हैं जो बिना किसी अनुभव के लोग कह रहे हैं उन पे मत विश्वास करिए। बेटी जी का भी हूफ ट्रिम कराना है, हो गया है? नहीं सर, हुआ नहीं है अभी तक। करा देते हैं, उसकी चाल में फिर फर्क ही आ जाएगा। हमारे यहाँ फेरियर्स अच्छे नहीं मिलते, पता है आपको कि फेरियर्स ये जो खुर काटते हैं इनके भी प्रॉपर स्कूल होते हैं, मेरे ख्याल से इंडिया में है कुछ, सर आपको पता है? मुझे एटलीस्ट एक का तो पता है, मैं अब उन्हें संपर्क करूंगा कि हमारे को एक ट्रेंड फेरियर मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है एक तरीका वेलफेयर का ये भी है कि भाई जिन्होंने जानवर, चलो जिस भी कारण से पाल रखे हैं, अगर हम उन्हें कम से कम अच्छी सर्विसेज दें तो जब तक वो जानवर जिंदा है तब तक उनकी लाइफ थोड़ी, लाइफ की क्वालिटी बेहतर, तो हम फेरियर एक हायर कर सकते हैं अपना। एक और चीज़ जो हम इग्नोर करते हैं वो है एनिमल्स की डेंटिस्ट्री, क्योंकि उसके लिए भी अलग डेंटिस्ट आते हैं। हम तो मतलब बेसिक बेसिक चीज़ों में ही अटक के रह जाते हैं, तो ये तो थोड़ी ज़्यादा इन डेप्थ वाली है। मैं आपको झिलमिल से मिलवाता हूँ। ज्योति इसके लिए घर लाइंड अप नहीं है ना झिलमिल के लिए कोई? अडॉप्शन के लिए बस इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि है ये छोटी अभी और यहाँ इन्फेक्शन का थोड़ा सा चांस है। वेनु तुम यार आज ये कर लो, झिलमिल की फोटो ले लेते हैं, और एक वो जो धनोटू वाला डॉग है, दोनों की अडॉप्शन कराने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमारा मेन फोकस वैसे सुना ही है ना इस हफ्ते, क्योंकि फिर हफ्ते बाद हमें उसे रिलीज करना हमारे पास इधर तीन ही डॉग्स है ना, मे बी हम इसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। छोटी सी फोटो जाएगी। हाँ, इसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। बहुत, लेकिन ये मूली की तरह, चटोरी मूली की तरह, इसको प्रॉपर एक केयर टेकर चाहिए जो इसको सिखाए ना कि ये नहीं करना है। मूली को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। नहीं, मैं इसका बता रही हूँ, ये मतलब इस पे शरारती है। हाँ, शरारती है। स्पॉट इसको कंट्रोल कर लेगा। क्या उसको भी नाक चटवानी है अपनी? आजा आजा आजा, देखो अच्छा कम नहीं है किसी पपी से। कौन ये ना डॉग फूड का, उस दिन हम राही को छोड़ने जा रहे थे, पूरा पैकेट फाड़ दिया इसने। ये कल भी घुसे जा रहा था बेटू बस। क्या उठा पटक हो रही है इसके साथ, महाकाल है? नहीं, इसे हम क्रश में गिर जाती है ना, चलते चलते गिर जाती। क्रश वो है वो जहाँ पे हम गाय बैल का उनको रिस्ट्रेन करके ट्रीटमेंट करते हैं। रिस्ट्रेन करके मतलब पकड़ के, जकड़ के। इसका हूफ का ही ट्रीटमेंट करना है ना, तो मैट पे इसको लिटा के नहीं देते? ये लाते मारते हैं, इसको पकड़ लूँ ये पीछे की तरफ मारेंगे।
अगर इसने मुझे लात मारी तो मुझे दुख होगा, पर इसने लात मारी और तुमने कैप्चर नहीं किया तो मुझे और दुख होगा वेनु। डॉक्टर हिमांशु सेफ डिस्टेंस ऑब्जर्व कर रहे। अरे भाई हट जा यार, रोज कोई ना कोई धरना रहता है। उस दिन दानू बैठा हुआ था, आज एक्चुअली मैं बेवकूफ हूँ ना। ये देखी आपने? मुझे गलगल को लेनोमैक्स से फर्क पड़ा विजिबली? सर आज उसका फाइनल रीचेक है, ठीक है इसका और धागा का, तो ये मुझे बता दूंगी। इन्होंने अपनी टीम बना ली, तुम इससे नहीं मिले, तुम्हारे पीछे से गाय आई है। हाँ सर मैं अभी आके सुबह देखा, मैंने नाम आहट रखा है हमने। आहट अब ये साल तक यहीं रहेगी। अरे एक वो डॉग है ना, ये भाई इन्होंने मंथन नहीं बनवाया वो पेट वाला? हां वेंसडे तक जिसको अडॉप्शन के लिए रखना था ना हमें, वो किसी का पेट है, पेट मतलब वो पेट सही है। गुल्लू का सुबह फोन आया था कि यार एक कुत्ता उसका एक्सीडेंट हो गया और आंटी सारे में टूट रही है, उसको ये पता था कि हम ले गए शराबी ले आया, उसको ना पूरी बात का पता। मैंने कहा मैं तू पत्रिका भाई मैं तू चलते हैं, एक मिनट में छोड़ देंगे। रुको रुको रुको, अभी दुबई लिखाएंगे ना उसको। एक यहाँ पे छोटा है इसको। हाँ तो पीपल फार्म ने जब इस टाइप का केस आया तो सबसे पहले क्या किया? पीपल फार्म का जो काम है वही किया। जैसे पीपल फार्म जैसे कि वो आते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा इसे जलन हो रही है, हो गया पैरों पे भी है? हाँ थोड़ा सा पाँव में तो है। ठीक है अगर इसकी दवाई मिट जाती है ना, हाँ जी तो फिर वो आप दवाई लगाने ले आना। हाँ कल रेनू क्या हुआ था रेस्क्यू पे काफी लेट आया था। बहुत ज्यादा तो लेट नहीं, 6:30-7 हो गई। ये वही है जो आंख वाला है पेट? ये आपका कुत्ता? कैसे लगा था इसको चोट? इसने पानी पिया था वहाँ पे नाले में। हाँ तो वो झोंक के चली गई। पानी पिया तो उसके बाद क्या हुआ? वो कीड़े जैसे चले गए इसकी नाक में। नाक में? हाँ जी। खाना खाया उसने उसके बाद? खाना खाता है। वो ब्लैक कलर का होता है वो ना, अंदर खून पी लेता है वो। चल आप बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं दोनों, बड़े ज्ञान की बात बताएगा। हाँ सॉरी बछड़े का क्या था? बछड़े का मेरे पास प्रॉपर कोई फुटेज है नहीं, क्योंकि जब कॉल आई थी हमने उनको बोला कि आप हमें कोई फोटो कोई वीडियो तो भेजिए, लोकेशन भेजिए। उन्होंने बोला मेरा काम था बताना, आपको करना है करो नहीं करना है मत करो। तो मैंने फिर वही उसी नंबर के भरोसे क्योंकि हम उधर जा ही रहे थे, तो मैंने बोला कि आप लोग प्लीज़ देख लेना। तो वो रेस्क्यू तो उन्होंने बछड़े को निकाल दिया था जितना मुझे पता चला। तो मेरा ख्याल 10-12 दिन से है। इसके बचने से हमें भी खुशी होती है, लगभग 15 दिनों से फंसा हुआ था इस खड्डे में ये। आपने कब देखा? हमने तो कल देखा हमने शाम को। नहीं आएगा अभी चोट नहीं? नहीं ठीक है। और वो जो डॉगी है बेचारा वो ये रहा सर बच्चे। यार इसके तो नोज से भी बहुत डिस्चार्ज है। पेट है ठीक है आपने ट्रीटमेंट नहीं? काहे का पेट है? मतलब सर अगर कोई रोड का भी अपने घर के बाहर का कुत्ता होता है और इस कंडीशन में देख के लोग, इसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही इसकी, वो है ना पूरा साइनस मेरे ख्याल से ये टूटा हुआ है नोज का। वो ये तो पालमपुर जाएगा एक्सरे होगा। ये आकाश मैंने सब नाम भेज दिया आपको सब के। सर मैं भी उसके लिए ये लटकने का। ये किसने बनाया है? ऐसी हरकतें सब डॉक्टर गुलशन ही करते हैं। अच्छा ये घोड़ों की गुत्ते बनाना नहीं पर ये चढ़ रहा है उस पे। देख अभी वैसे कम से कम इतना है कि ये खाना वाना खा रहा है। कांप रहा है ये क्या? हाँ कांप रहा है। इसको ज़्यादा है तो घर की साइड भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, वो बेटर होगा। हाँ तो वहाँ वहाँ छुड़वा दो। ठीक है अपना डॉग वाइज तो हम फुल हैं। फुल एकदम फुल है। आप करोगे ना स्पॉट को नीचे चम्बी को करो।
वो आने के लिए तैयार बैठे हैं नीचे। हमारे रेजिडेंट डॉग्स जो है ना, दोनों स्पॉट और चंबी, वो फर्स्ट हाफ में ऊपर रहते हैं 4 घंटे। सर आपको लगता है स्पॉट इस पर अटैक कर देगा? स्पॉट पपीज के साथ काफी अच्छा रहा है यार यूजुअली। स्पॉट सी गुड बॉय। देखो कुछ उसने गुर्राया नहीं, कुछ नहीं। इसको ये बोलते हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो प्लीज यहाँ से लाए वही छोड़ के आओ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन अच्छी रही, उसने इसको रिजेक्ट नहीं किया, वो इस पर गुर्राया नहीं, ये गुर्राई नहीं, बस ठीक है। अब जैसे जैसे हील होती रहेगी हम इसको रोज मिलवाते रहेंगे। गुड गर्ल। या आप भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं।